एवरीवन। तो आज मैं हूँ मुंबई सेंट्रल बस स्टैंड के बाहर एंड आज का ट्रिप होने वाला है फ्रॉम मुंबई टू कोल्हापुर बाय स्लीपर सीटर बस। MSRTC बस इसलिए चूज़ किया बिकॉज ये 10 बजे का जो बस है फ्रॉम मुंबई टू कोल्हापुर फ्रॉम और कोल्हापुर टू मुंबई भी 10 o'clock का। तो इट इज़ रन बाय उत्कर्ष फाउंडेशन, इट इज़ मैनेज बाय उत्कर्ष फाउंडेशन जो बेसिकली लुक्स आफ्टर यू नो द कस्टमर सेटिस्फैक्शन पार्ट, मतलब इंश्योरिंग दैट द बस इज़ क्लीन, पैसेंजर्स को जो भी अगर प्रॉब्लम हो यू नो दे कैन चेक विद देम। सो जैसे आपको बेसिकली इंटरसिटी में रहता है बट ऑफकोर्स विदाउट द टॉयलेट पार्ट, तो दे इंश्योर कि बस क्लीन रहे एंड यू नो ऑल दी स्विचेज वगैरह जो भी हो वो चल रहे हो। सो आई विल जस्ट टेक यू इनसाइड सो दैट आई कैन शो यू एंड उत्कर्ष फाउंडेशन की कोई मेम्बर से भी बात कर सके हम। सो आई एम जस्ट एंटरिंग द बस स्टैंड ATM। आई थिंक प्लेटफॉर्म पे आ गई होगी। यस द फर्स्ट बस ऑन योर राइट, ऑन माय राइट सॉरी। सो दिस इज द बस, एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है उत्कर्ष। सो दिस इज दैट फाउंडेशन, अगर कोई मिलता है सो आई स्पीक विद देम। सी बसेस ही बसेस है। पैक है आज। सो दिस इज दैट बस, यू कैन सी मुंबई कोल्हापुर मुंबई या कोल्हापुर मुंबई कोल्हापुर। तो ये है बस स्टैंड। मैं ज़्यादा शूटिंग नहीं करूँगा बिकॉज ना बोलते कभी, दो बार बोल चुके हैं। दिस इज वेयर यू कैन आस्क भाई कितने बजे का बस, कितने बजे आएगा। पीछे कैंटीन है राइट में, कैफेटेरिया जो भी, एंड ऑपोजिट साइड बाथरूम। तने फ्रॉम उत्कर्ष फाउंडेशन, सो प्लीज़ जस्ट लेट अस नो कि उत्कर्ष फाउंडेशन क्या है एग्जैक्टली। एक्चुअली उत्कर्ष फाउंडेशन नहीं है, उत्कर्ष है ये जो प्रोजेक्ट चल है उसका नाम है हमारा। हम लोग बसवारस फाउंडेशन की तरफ से एक वॉलेंटियर के नाम पे काम कर रहे हैं। MSRTC में बहुत ऐसी गाड़ियाँ हैं, मतलब लालपुरी भी है और शिवशाही है, शिवनरी है, और ये नहीं इंट्रोड्यूस हुई है सीटर स्लीपर। लेकिन ये जब चलती है तो अपना जो ऑर्डिनरी बसेस है वैसी ये लोग चलाते हैं, लेकिन एक अलग स्टाइल में। अगर प्राइवेट बसेस को अपने टक्कर देना है तो अगर अपने को अलग स्टाइल में चलाना होगा, पूरी गाड़ी क्लीन रहने होगी, लिमिटेड स्टॉप होंगे। अगर कोई पैसेंजर अपना गाड़ी में आता है तो उसके रिसीव करने के लिए कोई तो चाहिए, उससे सर अच्छी तरह से बात करना चाहिए, और उसका कोई प्रॉब्लम होता है गाड़ी में उसके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्राई करना चाहिए। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पार्ट ये एक्स्ट्रा है, बराबर। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अभी ये जो गाड़ी है ये सीटर स्लीपर गाड़ी है, बराबर। मुंबई से कोल्हापुर गई है, बराबर। पहले शेड्यूल था 10 बजे से गाड़ी इधर से छुट्टी है, लेकिन ये नॉर्मल छुट्टी थी, नॉर्मल जाती थी ऐसे थी, लेकिन इसमें इनोवेटिव कुछ नहीं था। हमने क्या किया, ये सिस्टम लगाया, गाड़ी का ब्रांडिंग किधर जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। पूरा इंटरनेट थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत चेंज किया है गाड़ी के आजू बाजू में, पूरा ब्रांडिंग किया है वो कोल्हापुर मुंबई कोल्हापुर। गाड़ी में गाड़ी कैसा है, सैनिटाइजर गाड़ी है, गाड़ी पूरा साफ है, अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, मोबाइल चार्जर वगैरह ये सब, अपने गाड़ी का जो अंदर फैसिलिटी है वो बाहर भी डिस्प्ले दिखा है ताकि लोगों को समझे। साइड में दिखा ना वो मैं दिखाऊंगा, लोगों को समझे कि ये गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। आज यही है कि आप एक सेम टाइप का दूसरा गाड़ी देखो, कुछ ब्रांडिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लोगों को समझता नहीं है कि ये क्या है। लेकिन ये जो लोग प्रॉब्लम्स है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, ये लोगों को समझना चाहिए गाड़ी का है। और बेसिकली कैसा है कि गाड़ी के बाहर थोड़ा हेरिटेज लगाने का, गाड़ी चलती है तो लोगों को समझ में आता है कि ये गाड़ी मुंबई कोल्हापुर जा रही है। अगर कोई बाद में इसको ट्रैवल करना है तो ये गाड़ी पे वो आ सकता है, इंक्वायरी करेगा ये बस के बारे में। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सिर्फ 10 बजे का जो है उत्कर्ष का फाउंडेशन, राइट, मुंबई टू कोल्हापुर एंड कोल्हापुर टू मुंबई सेम टाइम 10 PM।
एंड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन? अब ये गाड़ी हम लोग पूरे हाथ सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, पूरा बर्थ सब कुछ हम लोग करते, साफ करते हैं, पूरा सैनिटाइजर करके गाड़ी साफ करते हैं, बाद में एक सीट कवर लगाए ताकि एक अट्रैक्टिवनेस गाड़ी के अंदर आ जाए, और जो एक स्मेल आता है स्पेशली एसटी बसेस में एक स्मेल आता है वो बहुत पसंद है, लेकिन आप अगर इससे अगर ट्रैवल करते हो तो आपको स्मेल भी नहीं है, और हमारा ये अभी ये 2 महीना होने जा रहा है, लेकिन वो अपना वॉमिटिंग बोलते हैं ना, ये गाड़ी में हार्डली 1% है, तो मतलब अभी 2 महीने में हम लोग ट्रैवल करें तो 1 या 2 बार बहुत किसी का प्रॉब्लम है तो वही वॉमिटिंग करता है, बाकी मेरा अपने ये गाड़ी में वॉमिटिंग नाम का कोई भी चीज़ नहीं, इतना पूरा क्लीन गाड़ी रखने के बाद ये पूरा चेंजेस धीरे धीरे हो रहा है। बराबर बराबर। सो नाउ आई विल शो द इंटीरियर्स एज वेल। मैंने आई हैव सीन देम एक्चुअली, पहले खुद इंस्पेक्ट करते हैं द क्लीनलीनेस पार्ट पर। सो दिस इज द बस। स्मेल के लिए फैन विच यू डोंट सी नॉर्मल नॉन एसी बस, रैक एमजी बिल्ड, और एसपी चार्ज भी है, ड्यूली एसपी पॉइंट। तो ये ऐसा दिखता बाहर से, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता, जो एमिनिटीज मेंशन करता है जैसे तने ने बोला था, सैनिटाइज्ड बसेस, सीटर स्लीपर, चार्जिंग फैसिलिटी, फैन, मास्क, सैनिटाइजर, और दिखती अच्छी है एक्चुअली। यू कैन सी व्हील कैप भी है, एंड ये जब बाहर निकलेगी साइडवेज तो थोड़ा लाइट रहेगा, सो आई विल शो इट टू यू बेटर दैट वे। दस मिनट है फॉर द बस रिलीज। सो 2 मिनट बाकी है अभी, एंड मुझे से पता है बाईपास होएगा पुणे से, यहाँ से परेल जाएगा, फिर कुर्ला, पनवेल इफ रिक्वायर्ड, फिर डायरेक्ट सातारा। अभी मैं साइडवेज बस का व्यू ले लूँगा तो जस्ट शो यू। ड्राइवर बैठ चुका है। चलो अभी जाते हैं अंदर। 670 टिकट फ्रॉम मुंबई टू कोल्हापुर, एंड अभी फ़िलहाल ऐसे ही फर्स्ट सीट पे बैठा। ये लगेज रखने का जगह, तो अगर फर्स्ट सीट पे बैठोगे बाय दिस वन आई थिंक अच्छा रहेगा, इनफ स्पेस। चार्जिंग पॉइंट, दो जन है फ्रॉम उत्तर शैबिली, सी दे मैनेज हेल्प द कंडक्टर एंड द ड्राइवर।
10:35 PM, just waiting if we can get some more passengers. शिवनरी बसेस को धो भी रहे। दिस इज द एडिशनल फीचर, यू कैन बाय अ 1 लीटर बॉटल फॉर 15 रुपीज प्रोवाइडेड बाय MSRTC इटसेल्फ। 15 रुपीज जो आपको बाहर नॉर्मली 20 रुपए में मिलेगा ऑक्सीरिच को, ऑक्सीको 1 लीटर। तो ऑनलाइन या नॉर्मल रिजर्वेशन करने पे आपको ये अलग से एमिनिटीज़ भी मिलते हैं, एक पैकेट जिसमें 1 फेस मास्क, 1 वेट टिश्यू और 2 हैंड सैनिटाइजर मिलते हैं।
3:20 AM, स्मॉल लू ब्रेक ले रुका है जस्ट बिफोर कंबट की घाट। बाकी MSRTC बसेस भी रुके हैं।